Assalamualaikum everyone. Welcome back. Welcome in Nazmin Vlogs. And she is here and I am here. So, ab aap kahan ja rahe ho? I am going for my regular duty hotel. And ye rozmarra ki tarah apne vlogs shoot karenge. तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए यार, बहुत टाइम हो गया प्रॉपरली सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ वो मेहनत करती है बंदी, तो आप लोग का हेल्प और सहयोग चाहिए, तो इंशाल्लाह करेंगे आप लोग हेल्प जी, करेंगे ज़रूर। आपकी तो बहुत सुने, लेकिन आपके बारे में ऐसे बोलते हैं, ऐसे जाते हैं, आप थोड़ा बहुत धीरे बोलते हो, थोड़ा सा तेज बोला करो। देखो तेज तो हर आदमी बोलने की कोशिश करता है, मेरी आवाज़ इतनी तेज जब आपकी आती है ना, हर आदमी तेज बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब बीवी सामने खड़ी हो तो यार अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती। ये तो तुम्हें ही पता होगा ना। तो गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, इनके आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, इनके साथ हुआ शुरुआत। तो आज है जुम्मा, तो जुम्मे को बहुत सारा काम रहता है और बहुत ज्यादा ही हो जाता है। जुम्मा मुबारक हो आप सभी को, जुम्मा मुबारक मेरी तरफ से भी। एक कल आएगा व्लॉग तो, लेकिन फिर भी आपको जुम्मा मुबारक। और आप लोग सब कैसे, आई होप आप सब ठीक हो, अगर मैं भी ठीक हूँ ये भी ठीक है। चलो मिलते हैं इनको, ड्यूटी भेजते हैं, फिर आपसे मिलते। हाँ तो गाइस चलो अब मिलते हैं, आपसे मिल रही हूँ इमरान जी को काम पे भेजने के बाद, करके सारे काम करने के बाद। तो आज बहुत लेट हो गया, आज जुम्मे की नमाज भी नहीं पढ़ पाई, अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो आज क्या सर्दी के बहुत कपड़े थे, इमरान जी दो दिन से बोल रहे हैं सर्दी हो गई है, कपड़ों को धूप धूप तो लगा दी थी, मैंने दिखाया होगा आपको वीडियो, तो मैंने वॉश नहीं किए, तो आज मैंने फाइनली वॉश कर दिए और सारे ही कर दिए, छोटे बच्चों के बड़ों के सभी कर दिए। मेरे बार बार कौन लेके बैठेगा, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, स्वेटर जैकेट सब जितने भी थे, तो बस वो तो कर लिया काम। तो अब 4 बज रहे हैं, अब नहा धो के अब आई हूँ मैं। तो और मिशा और सनाया का गिफ्ट लेने जाना मेरे को, तो उनका गिफ्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कल भी बोल रही थी खाला आपने बोला था गिफ्ट नहीं दिया, तो मेरे को आज तो ले जाना लाना ही पड़ेगा कैसे ना करके। और घर के काम भी है, कुछ राशन भी लाना है और छोटे मोटे काम है वो तो करती हूँ मैं, और आपसे मिलती हूँ। और अभी मैं खा रही हूँ अमरूद, अमरूद सबके फेवरेट होते हैं, तो मेरे तो है ही फेवरेट। और ये मुझे आप इस बात का जवाब देना, अमरूद सर्दी में क्यों आते, गर्मी में क्यों नहीं आते? ये बड़े लोग बोलते, मेरी मम्मी बोलती थी खासकर कि सर्दी ठंड में नहीं खाना चाहिए, शाम और सुबह सुबह तो दोपहर में खाना चाहिए। लेकिन अभी तो मैं 4 बज रही है, तो अभी तो है टाइम, लेकिन मन कर रहा बहुत खाने का, तो मैं खा लेती हूँ। तो चलो खाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ कुछ देर बाद। गाइस अभी मैं मार्केट भी नहीं गई ना बच्चों के गिफ्ट लेने, थोड़ी बहुत आँख लग गई थी, तो बस उसके बाद शाम हो गई, मैंने सोचा अकेले का मन भी नहीं करा, माइंड सो रहा था। तो अभी मैं शाम की चाय तो नहीं पी रही हूँ, ब्लैक कॉफ़ी और ये रोस्टेड मखाने, तो बहुत चाय पी ली, तो सोचा आज ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ विदाउट शुगर, वेट भी कल देखेंगे। हाँ जी, हाँ तो कल मैं ज़रूर दिखाऊंगी, अभी मेरी बहन आ गई। देखिए फ्रेंड ये आ गई मिशा, और मेरे सारे मखाने खा रही है ये देखिए फटाफट, और मेरी कॉफ़ी ख़त्म नहीं हुई, इससे पहले ख़त्म कर चुकी है। इसे आप मत खाओ, ये आपके लिए नहीं, बस बहुत है इतना। TALL देखिए मिशा टमाटर भी खा रही है। हाँ नहीं यही सामने लिखो इसके, ये बहुत परेशान करती है गाइस, बहुत दिमाग खाती मेरा। स्कूल क्या जाने लग गई है सारी बातें में, जल्दी लिखो जल्दी। हाँ यस, नीचे तक नहीं लाना सिर्फ। तो देखिए गाइस क्या लिखा है मिशा ने, लिखा तो सही हो। मेरे बच्चे दोनों है, ये मेरा बेटा तो नहीं है ऐसा, ये देखिए अभी मैं माई को ये जो हंसी की बात बोला तो हंस गई, तो क्या बोली अम्मी इसकी बात पे मत ऐसा करो, मेरी बात पे ऐसा करा है ना, ऐसे बोली ना अभी। हाँ। वापस बोल तो, इसकी बात पे मत ऐसे करो, मेरी बात पे ऐसे करो, मैं अच्छी बोलती हूँ। अच्छा इसमें क्या हो गया, अच्छा का मतलब ये मेरा बेटा अच्छा है ना, इधर आ बेटा ये देखो बहुत अच्छा बच्चा है मेरा बच्चा माशाल्लाह।
दो, देखो देखो देख के, बॉल के पप्पी दो, देखो ये बड़ी वो है, आप देख सकते हो, बॉल के पप्पी दो, बॉल के, मेरी बेटी है बस। मिशा से पूछते हैं हम, स्कूल जाके मिशा को कैसा लगा? मिशा बताओ आपको कैसा लग रहा है स्कूल जाके? अच्छा लग रहा है, रबड़ दे रहे, आराम से बताओ, आराम से। अरे अच्छा लग रहा है, क्या होगा आपके हाथ जोड़ो, आप क्या होगा रबड़ दे रहे? अरे क्या बोलेंगे, सही बोलो तमीज से। तमीज से बोल रही हूँ तो हेलो गाइस, ये हम पढ़ाई कर रहे हैं और हम स्कूल जाके अच्छे करते हैं और हमारे को स्कूल अच्छा लगता है, बस अब ये खत्म। बात आपका करा देगा एडमिशन? करा दो भाई, करा दो। तो अभी इसका एडमिशन नहीं कराया तो कल जाऊंगी मैं स्कूल, कल गई थी देखा योगा में नाइशा को लेना, तो कल मैडम ने बोला अभी थोड़ा और एक दो दिन देखो तो देखेंगे। और ये देखिए इसी बातें सुनिए, बहुत ज़्यादा इरिटेशन इरिटेट करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है इस बच्चे को, तो ये बिल्कुल भी खुद देख सकते हो आप, देख सक रहे हो, देख रहे हो ना। और ये देखिए पढ़ाई देखो अपने हिसाब से ही कर दी, अपनी मर्जी से क्या लिखाई है, ये बोलती है ली जी आती है री। चलो 10 तक काउंटिंग करो, काउंटिंग सुनाओ ना सबको, फिर आपके लिए तारीफ करेंगे, आपके आपकी तारीफ करेंगे ना सब। इसके तो होनी नहीं चाहिए, तारीफ करना है नहीं करना, करता है तो क्या है, तो 10 तक काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 गलत गलत गलत, अब इंग्लिश में बोलो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गलत 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 गलत, देखिए गाइस इसको देखो इतनी काउंटिंग आती है, टेंशन ही आती है। ये देखिए बीसा ने क्या कर दिया है, क्या कर दिया है, पोपट कर दिया कि तू पढ़ाई में। तो ये देखिए अब आप बताओ इसको एलकेजी में या नर्सरी में? नहीं मैं नाइशा के लिए करा, नाइशा तो फर्स्ट में है, फर्स्ट में है, ये भी फर्स्ट में, सेकंड में आने वाली है, ये सेकंड में आने वाली, अभी तो फर्स्ट में है ये केरी में, इसको आता तो कुछ ही नहीं होगी, फर्स्ट में जाएगी। देखो आप बताना दोस्तों कमेंट करके मिशा को कौन सी क्लास में एडमिशन करा, मेरा मानना है कि मैं इसको एलकेजी में कराऊं, क्योंकि देखो पढ़ाई के मामले में नो रिक्स, सही बोल रही हूँ ना, इतनी भी कोई एज नहीं हुई जो मैं इसको डाल दूं। हाँ ये है, ये बच्चा माशाल्लाह अच्छा है मेरा, ये देखिए इसको गुस्सा देगी नाक में, ओ अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया, आप बैग वगैरह ले आए क्या? रबड़। तो आज आज मिशा क्या लेके आई है अपने पापा के साथ वो बताएगी मिशा आपको, देखो ये बोतल लेके आई हूँ, बोतल अच्छा ओके बस ऐसे दिखाओ, खोल के थोड़ी दिखाते हैं, ऐसे खोल के दिखाते हैं भैया को, एक बोतल आई है और एक प्यारी सी बॉक्स, ये देखिए ए डबल टी भी आएगा सुबह अभी, ये देखो, ये देखिए अब देखो, अब ए डबल टी ए ली आएगा, ये देखो ए डबल टी ए ली, ये क्या आई, कैलकुलेटर है, और इससे ऐसे दबाकर ये लिख क्या क्या होता है इससे कैलकुलेटर, कोई ले कोई लेना आपको तो चीज, अपन से कपड़े वो अपने राउंड ऑफ ऐसे लिखते हैं, हिसाब करते हैं, ऐसे थोड़ी तो होशियार है ये बच्चे। तो चलो मिलते हैं आपसे, बोलो नेक्स्ट ब्लॉग में, नहीं कुछ देर बाद, अरे नेक्स्ट ब्लॉग में नहीं करा हमें, तो देखो बच्चों को होमवर्क करा रही हूँ, ना ऐसा भी आए माइक में, तो कल माइक होमवर्क हो गया क्या आपका? तो ये गाइस अभी उठा है सो के, तो अब करेगा अभी पहले कुरान शरीफ पढ़ने जाएगा, और ये देखिए मस्ती कर रही, मस्ती खोर ये सनाया की ड्राइंग बताती हूँ, बहुत अच्छी बना रही है इसने, इतनी अच्छी, आप भी बता रहे दोस्तों, बहुत अच्छी प्यार, इसीलिए मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ। और ये जलती है, कौन जलती है बताऊँ, ये लड़की, तो ये देखिए सनाया ने, वाह कितना मस्त बनाया है सनाया, देखिए ये हर चीज जो भी कुछ करती है ना ये मेरे को बताती है, पहले ये तो देखो, ये आप देख रहे ना इतनी एजुकेशन कभी दोस्तों देखिए मेरी मम्मा कैसी पागल हो गई है
गुस्सा आता है ना, देखो बदतमीज बना कर देना गाइस, ऐसे करते हैं बच्चे, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। वाह वाह वाह, को माफ कर दो प्लीज। छोटे दाना रबर दे ना। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग। अरे कुछ देर बाद मिलते हैं। ये आज मुझे लग रहा है इसी ये पूरा व्लॉग यही बनाने वाली है, जब बोली नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में छुट्टियां बनाती हूँ इसकी, फिर आपसे मिलती हूँ। आज क्या खाने में बनाती हूँ? अरे अरे हमने मिलते नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय टाटा गुड बाय। तो गाइस मैं अभी बना रही हूँ दलिया, आज रात का भी यार कुछ नहीं बनाया, यही बनेगा रात का ही। कल चिकन की सब्जी बनाई थी वो खाई नहीं किसी ने, तो रखी है। मैंने इमरान जी को भी कॉल करके बोल दिया कि वही है, तो बोला ठीक है मैं खा लूँगा, और बाकी नीचे से मंगा लेंगे बढ़िया की सब्जी, बढ़िया बनाएंगे नीचे। ये देखिए मैं बताती हूँ आपको, मैं दलिया बना रही हूँ, कुछ दाल दिख नहीं होगा आपको, तो ये ओट्स है, ओट्स है वैसे सिर्फ, इसको दलिया ही बोलते थे नॉर्मल लोग, दलिया ही बोलते, मैं तो इसको ओट्स बोलती हूँ और दलिया भी बोल देती हूँ। तो बस बनाते हैं, और ये देखिए कितना सारा बखेरा हो रहा है मेरे, इसलिए किचन में थैली इसलिए रखती हूँ मैं, जो भी गीला कचरा होता है रुपये लग गया मेरे, तो जो भी गीला कचरा होता है वो मैं चाय पत्ती वगैरह इसमें डाल लेती हूँ, जैसे तो किचन साफ है किसी को बात नहीं। देखिए और अभी मैं बताऊँगा इसे एक काम कर रही थी, ऐसे करने का टॉस कर रही थी तो सारा दल नहीं निकल गया, होता रहता है इस तरह आपके साथ भी होता होगा, आप भी मास्टर से बनने की कोशिश करते हो। क्योंकि ये इसमें डाल लेती हूँ ओट्स, अच्छे से इसको रोस्ट कर लिया है बिना तेल के, कच्चे मुझे अच्छे नहीं लगते, तो इसको भून कर ही डालती हूँ। बस देखिए यहाँ बन रहा है मेरा, इसमें डाल देते हैं पानी एक सीटी के अंदर, तो एक सीटी में बन जाएगा ये, फिर इस व्लॉग की एंडिंग भी करनी है, एडिटिंग भी करना है, तो बहुत रात हो जाती है। मेरा जी लड़ते, मेरे हस्बैंड लड़ते रहते, बोले ना सो जा बीमार हो जाएगी, दिन भर काम करती रहती है, दिन भर काम करती है, फिर रात को जगती रहती है, तो बोले टाइम से कभी आ करते हैं, तो यहाँ में लेट इसलिए हो जाता है, नेट नहीं चलता यहाँ का, इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चलता, रात को अच्छा चलता है, तो मैं रात को अपलोड करके छोड़ देती हूँ, एडिटिंग करती रहती हूँ, एडिटिंग भी शांति शांति से होती है, वॉइस ओवर करना होता है ना बच्चों का, और काफ़ी बार तो आता ही क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा शोर रहता है, तो बस छोटी छोटी जिंदगी है, छोटी छोटी मेरी खुशी है, जो भी मैं घर की करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। आप प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जो लोग नए हैं और जो लोग मेरे को सब्सक्राइब कर रहे हो प्लीज़ अपने दोस्तों को फ्रेंड सर्कल में मुझे शेयर करें। तो बस अभी मैं बना लेती हूँ, किचन साफ कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, ओट्स ओट्स कौन से थे ये बना लेती हूँ मैं आपको, दिख रहा होगा आपको, फ्रेश करो करो मेरे, मुझे अच्छे लगे थे ऑफर था, तो मैं डबल डबल जब ऑफर चलता है तो मैं लेकर आ जाती हूँ। चलो मैं ढक्कन बंद कर देती हूँ, ये देखो मोबाइल, मेरे को शूट करने वाला कोई है नहीं बच्चा, मैं खुद ही शूट करती हूँ, कभी कभार बच्चों से डरवा लेती हूँ, बस मिलती हूँ उससे कुछ देर बाद, बिग बॉस भी आएगा वीकेंड का बारे, तो देखते हैं सलमान खान क्या करते हैं, क्या बताते हैं, क्या फैसला सीम का सही था या नहीं, मुझे तो गलत ही लगा, आप भी आप कुछ लोग बता रहे हैं गलत है, वो भी उनको सही लग रहा, मैंने जो बोला वो सही लग रहा, मतलब सिर्फ गलत तो गलत है, और आज देखेंगे वीकेंड के बाद में सलमान जी, सलमान सर क्या कहते हैं वीकेंड के बाद में, तो बस तो आपसे कुछ देर बाद। गाइस देखिए हो गई क्लियर अप, रसोई की भी किचन भी हो गया क्लीन, जब तक दलिया बना तब तक मैंने बर्तन धो दिए और किचन साफ कर दिया, तो अब देखती हूँ आपको दिखाती हूँ मेरा रूम का हाल, अब मैं किचन में आई तो इन्होंने रूम का क्या हाल किया, ये देखो ये देखिए ये देखो ये देखिए गाइस, अब मेरा यही रहता है दिन भर का, जब मैं रूम में रहती हूँ तो मेरा किचन गंदा कर देते हैं, छत टेरेस गंदा कर देते हैं, अब जब किचन में जाती हूँ तो रूम की ऐसी तैसी कर देते हैं, ये देखिए ये सबसे महान था, अब ये देखिए यहाँ पूरा कचरा कर चुका है दुपट्टा वगैरह सब कुछ, तो बस
गाइस देखिए अभी अभी जस्ट अभी एक बड़ा बहुत बड़ी मेरे साथ जास्ती हुई है और मीशा क्या करने वाली है आप देखिए। मैं अभी थोड़ा सा अब आपके सामने कुछ बातें किए तब तक मुझे ध्यान भी नहीं रहा। और ये देखिए मीशा कहाँ बंद हो गई, देखो अलमीरा में, ये देखिए आप देखिए यहाँ बंद हो गई ये, तो इसको भी दिखाती हूँ आप। ये क्या है हा? अरे क्या है ये क्या कर रही है? देखो ये करते हैं हमारे बच्चे, इतने मतलब इंटेलिजेंट नहीं है बच्चे। बेटा निकलो, गंदी बात होती है ना, चलो बाहर निकलो, नहीं मजा नहीं करना बाहर। देखो मीस को मजा आ रहा है, दम घुट जाएगा, नहीं निकलो बाहर, बाहर निकलो। इस गंदी बच्ची बुखार हो गया, तेरे तक कितनी गर्म सी हो रही, बुखार तो नहीं है, तो इसको निकालती हूँ मैं। गाइस मेरे कपड़े देख, भाई कपड़े भी फट गए मेरे, ये देखिए वापस इसके अंदर घुस गई है। हाँ तो गाइस देखिए अब मैंने इतना साफ सफाई कर दी है वापस से, उन बच्चों को देखो अभी यहाँ बिठाया, थोड़े से दो मिनट में भूल जाएंगे कि कुछ बोला था क्या खाला ने या अम्मी ने, चद्दर कहीं ये कहीं। और यहाँ देखिए अभी साफ सफाई करी है, झाड़ू लगा दिए, बोलते झाड़ू मत निकाला कर रात को, झाड़ू मत लगाए, क्या करूँ ऐसे कचरे में तो रह नहीं सकती ना, और इतना बड़ा कोई कमरा ऐसे कागज वो कपड़े से तो साफ होगा नहीं। तो बस अभी आने वाला बिग बॉस स्टार्ट होने वाला है, 3 मिनट बचे हैं, तो अब मैं इनको एकदम चुप कर देती हूँ, फिर देखती हूँ आज क्या होता है। और आपको फिर अगर कुछ अच्छा तो अच्छा रहा, सलमान सर ने कुछ अच्छा बोला तो देखेंगे आपको बताएंगे, आप देख ही लेना। मैं देखते हूँ, मेरे से ज़्यादा आप देखते होंगे, लेकिन मैं बहुत बड़ी बिग बॉस की फ़ैन हूँ और मेरे घर वाले भी देखने लग गए। मेरी बड़ी वाली सिस्टर है ना, वो भी बोलते हैं बिग बॉस अब आने वाली है, उसके बच्चे बहुत परेशान करते हैं मेरे, बहुत ज़्यादा चिल्लाया रोना रोना करती रहती है। मिशा ऊपर चढ़ जाती है, अभी चढ़ गई इसको गाइस नींद आ रही है मिशा को, उसको भी सुला देती हूँ। सुबह बच्ची सुबह जल्दी उठती है ना बच्ची, 8 बजे उठती है, 8 बजे उठाती हूँ, 8:30 का टाइम है, तो मिलते हैं उसे कुछ देर बाद। और एक चीज़ आपको बताती हूँ मैं, आज मैंने मेरे हस्बैंड का मेरा हैशटैग बनाना चाहा, तो ये देखिए दो हैशटैग हैं, एक तो है नाजिम और एक है इमनाज, तो आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है वो ज़रूर वो ज़रूर आप मुझे बताना, मैं भी हैशटैग लगाती हूँ। ये बोलते हैं तू तो मेरे नाम के आगे कुछ जोड़ती नहीं है, वो कल सभा का वीडियो देखा था तो बोले देख ये तो इसने लगा रखा है अपने सभा और खालिद का, तू तो मेरा कभी ऐसे बना करती नहीं है। तो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है सभा सनी की शादी हैशटैग, तो बस वही मैं तो लगाऊंगी तो नहीं, लेकिन देखो आप दिख रहा होगा आपको, तो दोनों में से आपको कौन सा सही लग रहा है मुझे बताना। मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में, मिलती हूँ आपसे हो। तो गाइस देखिए पतासे बना रही हूँ बच्चों के लिए, लेकर आए माई ने मंगाई अपने पापा से, मैं खाऊंगी लेकिन विदाउट आलू, बिना पानी, चलो पहले खा लेते हैं। हाँ तो गाइस आप सोच रहे होगे ये क्या इतनी क्या सर्दी ठंडी पड़ गई, क्या कश्मीर में आ गई क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, तो ये मैं आपको बताती हूँ ये मेरे लिए कौन लेकर आया है, आप बताओ कौन लेकर आया, आप सोचो 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 सोचो, 30 सेकेंड का समय आपके पास, कमेंट कर देना अगर जल्दी सोच लिया हो तो। तो ये अभी क्या है ना, नवंबर मंथ चल रहा है, तो नवंबर में आपको बता दूँ, आप लोगों को नहीं पता होगा तो एनिवर्सरी मंथ है, तो इन्होंने मुझे फर्स्ट एनिवर्सरी गिफ्ट ला कर दिया है, किसने, इमरान जी ने, तो ये बोले लेके आ जाता हूँ सर्दी में, तो आप बताना कैसा लग रहा है। ये देखिए मेरे बंद तो नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी मैं बोली अच्छा है, ये बोला चेंज करा दूँ लेकिन चेंज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये देखिए अभी तो देख सकते हैं आप, तो कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताना, अभी तो इतनी सर्दी नहीं है लेकिन
जोधपुर जयपुर कहीं जाएंगे तो सफर के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बस इस व्लॉग को यहीं एंड करने आ गई हूँ मैं। तो बस आपको कैसा लगे मेरे व्लॉग, कुछ अच्छा कंटेंट ढूंढेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अब थोड़ा मैं सोच रही हूँ, हफ्ते में पहले भी बोला था मैंने कुछ वीडियो, एक वीडियो में अब भी बोल रही हूँ डेली व्लॉग के छोड़ के शायद एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग डालूँ ताकि अच्छा कॉन्टेंट भी मिल जाए और अच्छा व्लॉग भी बन जाए, ठीक है ना गाइस। तो बस इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें और जो लोग पुराने हैं वो शेयर करें। तो बस तो आज मैंने मेरे हस्बैंड का मेरा हैशटैग बनाया, आपने देखा ही होगा, तो कैसा लगा बताना। इमनाज और नाजिम, तो दोनों में से कौन सा हैशटैग सही है और कौन सा रखना चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करूँगा। और मेरा इंस्टाग्राम चैनल आपको यहाँ दिख रहा होगा नाजो परवीन के नाम से, तो प्लीज़ वहाँ जाकर भी फॉलो कर लें। लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन पे। तो बस बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ न्यू करते।